बॉलीवुड में कुछ रिश्ते इतने उलझे हुए होते हैं कि इन स्टार्स की जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। और बॉलीवुड में कब कौन किसे दिल दे बैठे और कब किसकी शादी किसी और से हो जाए या शादी के बाद किसी का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, ये पता ही नहीं चलता। बॉलीवुड इंडस्ट्री से आए दिन अफेयर्स और ब्रेकअप की खबरें आती रहती है। आजकल स्टार्स अपनी फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि अपने अफेयर्स को लेकर ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। हेलो पीपल, माय नेम इज काजल एंड यू गाइस आर वाचिंग इक्वालिटी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शत्रुघ्न सिन्हा का, जिनके अफेयर्स की चर्चाओं ने उस दौर में काफी सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि ये डेट कर रहे थे उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस रीना रॉय को। लेकिन इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी पूनम सिन्हा से। इनफैक्ट शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा में इस बात का जिक्र भी किया है कि उनके पास एक घरवाली और एक बाहर वाली है। अगर बात की जाए बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार के एक नहीं कई सारे अफेयर्स रह चुके हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है आयशा झुलका का। आयशा झुलका से ब्रेकअप के बाद अक्षय कुमार ने डेट करना शुरू किया रेखा को, जो उनसे उम्र में काफी बड़ी थी और अक्षय से शादी करना चाहती थी। लेकिन फिर अक्षय कुमार का नाम जुड़ने लगा उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ। अक्षय कुमार और रवीना टंडन 90s की वो जोड़ी थी जिनके बारे में उस वक्त हर कोई जानना चाहता था। कहा जाता है कि अक्षय कुमार ने रवीना टंडन से चोरी छुपके एंगेजमेंट तक कर डाली थी, लेकिन अचानक से उनके ब्रेकअप की खबरें आने लगी और फिर अक्षय कुमार का नाम शिल्पा शेट्टी से जुड़ने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि अक्षय ने शिल्पा शेट्टी के साथ भी चोरी छुपके एंगेजमेंट कर ली थी, लेकिन अचानक से एक दिन ये पता चला कि अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ शादी कर ली है। ट्विंकल खन्ना से शादी के बाद भी अक्षय कुमार का नाम प्रियंका चोपड़ा से जुड़ने लगा, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने इस मामले को जैसे तैसे संभाल लिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा ली। अगर बात की जाए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन का नाम भी रेखा से जुड़ता आया है। हालांकि अमिताभ बच्चन की उस वक्त शादी ऑलरेडी हो चुकी थी जया बच्चन के साथ, लेकिन इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चर्चाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के इस अफेयर की वजह से काफी बार अमिताभ और जया बच्चन के रिश्ते में दरार भी आई, लेकिन इन दोनों ने दुनिया के सामने हमेशा अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ ही दिखाई है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की। तो सब जानते हैं कि शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ काफी लॉयल रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो भी आया था जब मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा से इनके लिंकअप की खबरें आना शुरू हो गई थी। शाहरुख खान की शादीशुदा जिंदगी पर उस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे थे जब प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी नजदीकियों के किस्से गौरी खान तक पहुंचे। कहा जाता है कि जैसे तैसे गौरी खान ने इस मसले को संभाला और शाहरुख खान की शादी बच गई। बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन की अगर बात की जाए, तो ऋतिक रोशन ने सुजैन खान के साथ शादी की थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आना शुरू हो गई जब ऋतिक रोशन ने उनकी फिल्म काइट्स की कोस्टार बारबरा मोरी को डेट करना शुरू किया। उसके बाद ऋतिक रोशन का नाम कंगना रनौत के साथ जुड़ने लगा और कंगना और ऋतिक की लव स्टोरी ने एक नया मोड़ ले लिया। फिर ये खबरें आने लगी कि इस प्यारे से कपल ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। अब बात करते हैं गोविंदा की। इनके एक्टिंग और डांस के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन इनकी शादी के बाद इनके अफेयर्स ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी जब इनका नाम इनकी कोस्टार रानी मुखर्जी के साथ जुड़ने लगा। लेकिन कहते हैं कि गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कभी गोविंदा के अफेयर्स पर विश्वास नहीं किया और इन दोनों का रिश्ता बच गया। अब बात करते हैं फरहान अख्तर की। तो फरहान अख्तर ने शादी के 17 साल बाद डिवोर्स ले लिया। कहा जाता है कि इनके रिश्ते टूटने के पीछे फरहान और श्रद्धा कपूर के अफेयर को बताया जाता है, लेकिन अब फरहान अख्तर शिवानी डांडेकर को डेट कर रहे हैं और इनकी शादी की खबरें भी आए दिन आती ही रहती है। अब बात करते हैं भाईजान सलमान खान के भाई सोहेल खान के बारे में। तो सोहेल खान और सीमा खान की शादीशुदा जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी थी जब उनका नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के साथ जुड़ने लगा था। सोहेल और सीमा की शादीशुदा जिंदगी में काफी दिक्कतें आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन कहा जाता है कि सोहेल खान के पिता सलीम खान और भाई सलमान खान ने इस बात को संभाल लिया और सोहेल और सीमा की शादीशुदा जिंदगी बच गई।
अगर बात की जाए अजय देवगन की तो अजय देवगन भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। अजय देवगन का नाम भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा है। कहा जाता है कि अजय देवगन पहले रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर अजय ने रवीना से ब्रेकअप करने के बाद करिश्मा कपूर को डेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर करिश्मा कपूर से भी ब्रेकअप की खबरें आने लगी। उसके बाद उन्होंने 1999 में काजोल से शादी कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो काजोल के साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी 2010 में उनकी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान कंगना रनौत और अजय देवगन के अफेयर्स की खबरें सामने आने लगी। हालांकि इनके अफेयर की खबर कभी इन दोनों ने एक्सेप्ट नहीं की कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में कभी कुछ छुपाई नहीं छुपता, बॉलीवुड की हर खबर सामने आ ही जाती है। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती का। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का नाम वैसे तो कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया है, लेकिन श्रीदेवी के साथ उनका अफेयर काफी चर्चाओं में रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों के बीच नजदीकियां फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर बड़ी थी। इस फिल्म के दौरान मिथुन और श्रीदेवी ने साथ काम किया था और इसी दौरान इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि 1985 में मिथुन और श्रीदेवी ने चुपचाप शादी कर ली। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। खबरों की माने तो मिथुन की पत्नी योगिता बाली को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा था और मिथुन और श्रीदेवी की शादी की बात सुनकर योगिता बाली ने सुसाइड करने की तक कोशिश की थी। कहा जाता है कि इस वाकये से मिथुन काफी टेंशन में आ गए थे और उनके पास श्रीदेवी को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो बस आज के शो में इतना ही। बी टाउन में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक आप हमें ये जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंटिल देन, दिस इज मी काजल राजपूत साइनिंग ऑफ। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़।